हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जाओ, फिलहाल मैं सुबह सुबह आया था गायों को कहने के लिए दीपक और हम दोनों आए। तो भाई पिलर आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये हमारा ये मतलब ये पूरी दीवार है और इस तरफ से हमारे खेत शुरू होते हैं, जो कि पिछली बार बताया था वहां पर हमने गेहूं काटे थे। पर यहाँ देखो भाई, इतनी बारिश हुई इसके चलते भाई पूरा तालाब का तालाब भरा हुआ है ना, वो एंड तक है वहां तक पूरा तालाब। भाई इतनी हालत खराब होती, मैं भी जाते ही नहीं हूँ अभी खेत में, बिल्कुल जाते नहीं। तो भाई जाओ, फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ दुकान पे, क्योंकि हाँ असले 200 रुपए लेने हैं, क्योंकि अभी एक नारियल अगरबत्ती हमारा आज व्रत है, इसलिए सामा का पैकेट। फिलहाल देखो आज तो सभी कारीगर आए हैं, जो कि आज पूरा है मतलब आज पूरी जितनी पट्टियां हैं छत की सब चढ़ानी है। इसलिए कल तो हम गए थे खीर पीने इस रास्ते से, तो कल तो काफी ज्यादा मजा आया वहाँ पर। ज्यादा व्लॉग नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, इसे ठीक ठाक ही था, ज्यादा कोई एकदम प्रोफेशनल नहीं था। तो अब फिलहाल गांव में जाना है तो चलते हैं। अब फिलहाल नारियल अगरबत्ती और एक ठेली ले ली है फरहाल की, तो चलते हैं। तो भाई जाओ, फिलहाल मैं अभी उठ चुका हूँ, मतलब सो के उठ चुका हूँ, तो घड़ी 4 बजने को आई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नागवरा, तो आज है बाबा रामदेव बीच, तो सभी को बाबा रामदेव बीच की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा मंदिर है यहाँ बाबा रामदेव जी का, तो आज है इनकी पूजा करनी है सब। आज इनका क्या एक जन्मदिन मान सकते, वही है बाबा रामदेव जयंती या बीच। तो फिलहाल नागवरा जा रहा हूँ, बाबा फल फ्रूट सब प्रसाद लाना है, तो इसलिए मैं साथ जा रहा हूँ। नागवरा पहुंच चुका हूँ, तो बाइक यहाँ पर लगा दी, पापा गए अंदर, तो वहाँ पर थोड़ा नेत्र का माल लेना, पैसे लेने, तो फिर और भी काम है बहुत सारा, तो चलेंगे देखने। फिलहाल घर पे पहुंच चुका हूँ, घर आते मुंह धो लिया, क्योंकि बाजार में काफी ज्यादा वो धूल मिट्टी सी होती है थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए। तो अब फिलहाल अभी मुझे जाना है खेत में, क्योंकि भगवान जी का रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाना है, तो उसी के चलते वहाँ काफी दूर है। तो फिलहाल एक बार प्रसाद बना नहीं बना घर पे देखते हैं, फिर चलेंगे। तो फिलहाल भगवान जी के सारा कर दिया कुछ काम, ये देखो यहाँ पर अभी फिलहाल दो दो एप्पल लगा दिए है, केले लगा दिए है, बाकी प्रसाद यहीं पर है, तो यहाँ पर होगी सेवा। और एक खेत में भी है, दो जगह पे अभी अभी खेत में चलना। जब फिलहाल आए तो थे भगवान जी से कराने, पर एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एक हमेशा हम यहाँ पर भगवान जी का झंडा लगाते हैं, तो उसका जो डंडा होता है पूरा एक जिस पर झंडा लगता है, जो कि वो डंडा आज है ही नहीं यहाँ पर, तो इसी के चलते हमें नया डंडा घर पे लेने जाना है, तो भी चलते हैं। और भाई यहाँ पर इतना कीचड़ हो रहा है, मैं पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ भाई, और यहाँ देखो ये हमारे पूरे खेत है, वो खेत को देखो पानी भरा है। तो इधर फिलहाल दूसरी जगह करें सेवा। अब फिलहाल तीनों जगह पर भगवान जी की सेवा कर दी है, एक वहां पर खेत में गए थे, दूसरी बार यहाँ पर, जो कि अब भगवान दिखाएंगे मतलब बीज के दर्शन होंगे चंद्रमा के, और तीसरा अंदर हो रही सेवा, तो तीन जगह पे की आज। तो
जाओ फिलहाल चावल, अभी एप्पल और केला तीनों प्रसाद ले लिए हैं। तो अब फिलहाल हम जाने घर, घर के पीछे हैं हमारे अंकल आंटी, तो उन सभी को देने के लिए उन्होंने फिलहाल ले लिया है और मैंने भी ले लिया प्रसाद, तो चलते हैं। तो भाई जाओ फिलहाल सभी जगह प्रसाद वपरा के आ चुके हैं और अब फिलहाल देखो रोटी, थोड़ी बहुत रोटी बनाई, एक दो रोटी जो कि ज्यादा देर के लिए, और हमारे फिलहाल बन रही है बाटी जो कि आज व्रत खोलेंगे दाल बाटी से। और मैंने आप सभी को बताया नहीं क्योंकि आज मेरा व्रत है, जो कि आज पूरे दिन भाई बिना खाए पिए रहा, तो भाई अभी बहुत खतरनाक भूख लग रही है, एक बार जल्दी से सेक जाए और दाल बनाए, दाल बनती फिर व्रत खोलते हैं। तो भाई फिलहाल बाटी बन चुकी है, पूनम तो फिलहाल खाने के लिए बैठ चुकी है, तो दाल है, आज चावल है, फल फ्रूट सभी है और बाटी इसमें है और आज खीर भी है। तो भाई पांच आइटम है, तो अब फिलहाल मैं भी व्रत खोलता हूँ भाई, अभी कितने खतरनाक भूख लग रही है बता नहीं सकता बस। तो भाई जाओ फिलहाल मैंने खाना खा लिया है, तो भाई इस लोग में बस इतना ही, अब पूरा थक चुका हूँ, तो इस लोग को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप दैट का व्लॉग आप सभी को पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।